3.18 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये भी बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत यस बैंक में डाल रही है सर। गिर रहा है। अब एक मुसीबत और जोमैटो में निकल कर आ रही है, डोमिनोज पिज्जा का। सर ऐसा बना दूंगा आपको कि कोई भी आपको गुमराह करने से पहले 50 बार लो समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है सर कि लोग पैनी स्टॉक में ना फंसते जा रहे हैं, फंसते जा। पुराने दिन होते थे सर, वो पुराने दिन होते थे जब लोग शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन के मरने के बाद ना नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जोमैटो की, और बात करेंगे सर अडानी पावर की, और बात करेंगे जैसे मैंने आपको कहा था कि यस बैंक के ऊपर मैं आज के दिन आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आने वाले दिनों में हमें किस तरीके की प्रतिक्रिया यस बैंक में रखनी चाहिए और किस तरीके से अपने को अच्छा करके ही यस बैंक में हमें प्रॉफिट मिलेगा, इसके ऊपर मैं आज आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि यस बैंक में काफ़ी लोगों ने सर प्रॉफिट आने वाली वीडियो तो बना दी होगी कि बस खरीद लो, जाओ सब कुछ उठा लो, लेकिन सर हमें खरीदना है, लेकिन हम तब खरीदेंगे ना जब हमें अंदरूनी आवाज़ आती है, और अंदरूनी आवाज़ आती है सर सारी चीज़ों का एनालाइज करने के बाद। तो सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जिस तरीके से यस बैंक का रिजल्ट आया इमोशनल में बह गए हम, जिस तरीके से अडानी पावर का रिजल्ट आएगा फिर हम इमोशनल में बह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस इमोशनल को हमें ख़त्म करना पड़ेगा सर। वो पुराने दिन होते थे सर, वो पुराने दिन होते थे जब लोग शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन के मरने के बाद ना 10 दिन तक उदास बैठे रहते थे, भाई ये क्यों मर गया, उसे मरना ही नहीं था। या आनंद फिल्म में राजेश खन्ना मर गया, ये मरना ही नहीं था, कोई तो खाना छोड़ देता था, कोई तो महीनों तक सर शोक मनाता रहता था। लेकिन वो जमाना पुराना था सर, क्योंकि वहां पर तो कोई मट्टी से हाथ में रखकर सिक्का बना देता था जादूगर। तो ये चीजों से हमें हटना पड़ेगा, ये मातम और इमोशनल से हमें दूर मार्केट में तो सर रहना पड़ेगा। जब तक कि हम बिना बात में सर शोक मना रहे हैं, अमिताभ बच्चन सर फिल्मों में मरा है, फिल्मों में ही तो मरा है, वो असलियत में तो नहीं मरा है। तो ये जो चीजें होती हैं हमें जो दिखती रहती है ना मार्केट में, इससे हमें दूर रहना पड़ेगा सर। लोग कहते हैं सर गिरावट के तौर पर अपना स्टॉप लॉस इन्वेस्टिंग में लगा कर चलो, और मेरा मानना है अगर शेयर अच्छा है ना तो स्टॉप लॉस नीचे का नहीं सर, स्टॉप लॉस अपना प्रॉफिट का लगाना चाहिए, और वहां प्रॉफिट का स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए जहां पर हमें प्रॉफिट आता हो, और हमारे पास 500 शेयर होना तो बिना सोचे समझे 300 शेयर प्रॉफिट में निकाल दो, ये स्टॉप लॉस हमें लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है सर कि लोग पैनी स्टॉक में ना फंसते जा रहे हैं, लेकिन जो अपने प्रॉफिट आने के बाद भी उन्हें वो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, वो इमोशनल में खो रहे हैं, बस अमिताभ बच्चन मर गया जी अब तो उदास हूं मैं, ये चीजें छोड़ो सर। और ये चैनल आपको सर जड़ से मजबूत कर देगा, ऐसा बना दूंगा आपको कि कोई भी आपको गुमराह करने से पहले 50 बार सोचेगा, क्यों, क्योंकि आप सीख गए हो। पढ़ाने वाली चीजें लोग पढ़ाते रहेंगे, चार्ट आपको समझाते रहेंगे, हर चीज आपको दिखा दिखा कर बोलते रहेंगे सर, वो बहुत आसान होता है, स्क्रीनशॉट लगा दिया और पीछे से वीडियो बनाते रहो, बोलते रहो बस पीछे से। सर मैं वीडियो बनाता हूं ना, कंटिन्यू वीडियो बनाता हूं, कंटिन्यू वीडियो पूरी एनालाइज करने के बाद मैं जब 2 घंटे के बाद वीडियो बनाता हूं तो मैं कहीं भी इसमें कहीं से भी रीटेक नहीं लेता, बस थोड़ी सी जो बोलने में मेरे से गलती हो जाती है ना वो मैं थोड़ा कट कर देता हूं, नहीं तो मैं लगातार वीडियो बनाता हूं सर, और यही एनालाइज मैं आपके अंदर डालने वाला हूं। क्योंकि सर लोग पीछे से जो वीडियो बनाते हैं ना उसमें आपको गुमराह नहीं हो, चेहरा ही नहीं दिखा रहे जो अपना, तो वो आपको क्या सर अच्छी सलाह दे देंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अब जो हमें आगे अच्छा होना पड़ेगा वो होना पड़ेगा अपने इमोशनल को त्याग कर। तो बात करते हैं सर जोमैटो मैंने क्यों लिया है, काफी लोग कह रहे हैं सर जोमैटो के ऊपर वीडियो बनाओ, सर मैंने कहा सर जोमैटो के ऊपर वीडियो मैं बनाता रहा हूं और मुझे इसका जो काम है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आने वाले जमाना ऑनलाइन पर आधारित है, कई कंपनियां अपने ऑनलाइन के बिजनेस से ही काफी पैसे को अर्जित कर चुकी है और अपने अच्छे
कारोबार को इससे ज्यादा ज्यादा बढ़ाई जा रही है। जब जोमैटो ने पिछले कुछ दिनों पहले एक कंपनी को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया, वो शेयर धारकों को समझ नहीं आया, तब से शेयर नीचे गिर रहा है। अब एक मुसीबत और जोमैटो में निकल कर आ रही है। डोमिनोज पिज्जा का सर आपने नाम सुना है, उसने क्या कहा है सर, उसने उसकी जो सहायक कंपनी है ना जुबिलेंट फूड, उसने सर सीसीआई को एक पत्र लिखा है, उसमें उसने कहा है कि वो जोमैटो और स्विगी में ऑर्डर लेना बंद कर सकती है अपने पिज्जा का। क्यों कर सकती है सर? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो कमीशन रेट जो बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए वो अपने घरेलू यानी अपने द्वारा ही ये डिलीवर करेंगे। तो ये जोमैटो के लिए स्विगी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन डोमिनोज और जुबिलेंट फूड के लिए पॉजिटिव खबर है। उन्होंने सीसीआई को कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जुलाई में 27% का कारोबार में जो वृद्धि हुई है ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हुई है। जिस तरीके से हम ऑनलाइन जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया या कोई भी ऐसा फूड का ऐप है जिसकी वजह से डोमिनोज जो पिज्जा हम अपने घर पर बुलाते हैं, तो उसकी वजह से डोमिनोज की 27% की वृद्धि हुई है सर। लेकिन जो ये चीज़ दर्शा दी है कि वो अब दोबारा से स्विगी और जोमैटो से बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं लेगी, इस तरीके की बात आ रही है, ये जोमैटो के शेयरों में निगेटिव असर डाल रही है। डोमिनोज जो पिज्जा है ना सर, जाना माना है, काफी बिकता है और काफी डिलीवर इसका सर स्विगी और जोमैटो से होता रहा है, लेकिन जो ये चीजें निकल कर आ रही है ये तो निगेटिव है। यही चीज तो मैं आपको सर समझाने वाला हूं, यही चीज आपको मार्केट में मजबूत करेगी, इमोशनल में हमें खोना नहीं है। तो ये जो एक अंदरूनी चीज मैंने आपको बता दी है जिसकी वजह से जोमैटो में कुछ दिन तक के आपको बिखरापन सा लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि जोमैटो बर्बाद ही है, जोमैटो फिर उभरेगा। काम ऑनलाइन है, ऑनलाइन का जो काम होता है वो बेस्ट हो रहा है आजकल, बैठे बैठे ही काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं सर, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं अडानी पावर की, और अडानी पावर की कई कंपनियों की जो एजीएम मीटिंग है ना सर 26 जुलाई की है, लेकिन उसमें 27 जुलाई की सिर्फ अडानी पावर की एजीएम अलग है, उनसे अलग हो रही है, और 3 अगस्त को ये अपना अर्निंग पेश करेंगे यानी कि अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश करेंगे। पिछले बार इनका जो रिजल्ट धांसू का आया था, तबाह तोड़ आया था, उसकी वजह से तो जो इनका रिजल्ट आया था ना सर ये 500 में शेयर होना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचा, क्योंकि अंदरूनी जो काम होते हैं ना वो दिखते हैं, लेकिन जो अंदरूनी काम होते हैं उसे देखने की शक्ति हमें लानी पड़ेगी सर। अभी 2 प्रॉक्सी फर्मों ने एक जो बैड न्यूज की तरह आ रही है निकलकर, 2 प्रॉक्सी फर्मों ने एक सलाहकार जो होते हैं उन्होंने सर अडानी ग्रुप के 4 कंपनियों के शेयर धारकों को कहा है कि वो अडानी कंपनियों के प्रस्तावों के विपरीत वोट डालें, यानी कि उनके खिलाफ वोट डालें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ उधारी जो कंपनी बढ़ा रही है अपनी उसके ऊपर या किसी भी कारण से उन्होंने ये सलाह शेयर धारकों को दे दी है कि वो भाई उसके विपरीत ही वोट डाल सकते हैं। तो ये एक निगेटिव न्यूज है सर, जो आपको अडानी पावर में भी असर डाल सकती है, बाकी इसके कई शेयरों में असर डाल सकती है। तो ये जो न्यूज निकल कर आती है ना ये अपना असर जरूर डालती है, इसको भी आपको गहराई से समझना होगा, और जोमैटो और अडानी पावर में थोड़ा सा आपको अपने कदमों को फिलहाल के लिए रोकना ही होगा। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात हम पॉजिटिव चीजों से ही करेंगे सर। सालाना आधार पर इन्होंने 50% की ग्रोथ जो इन्होंने कर दी है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं सर। जून के अंत में इनकी बैलेंस शीट सर 17% की वृद्धि के साथ सर 3.18 लाख करोड़ रुपए हो गई है, ये भी बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत यस बैंक में डाल रही है। लोन ग्रोथ में वृद्धि हुई है, अकेले 62% एमएसएमई ऋण लोन से इनकी वृद्धि हुई है। जो लघु व्यापारी होते हैं, लघु उद्योग होते हैं और जो छोटे कारोबारी होते हैं और जो खुदरा होते हैं, उनके आधार पर 62% की इन्हें लोन में ग्रोथ हुई है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत इसलिए होता है सर, ये एक बंदे को ज़्यादा लोन ना देकर इन्होंने छोटे छोटे
कारोबारियों को ढूंढा है। ये एक पॉजिटिव संकेत इसलिए भी डालता है क्योंकि जब हम बहुत सारे लोन बांटते हैं तो उसमें डूबने का खतरा कम हो जाता है, और जब हम एक ही जने को इतना लोन बांट देते हैं जो बेचकर लंदन भाग जाते हैं, फिर कोई कहीं भाग रहा है तो वहां पर खतरा होता है। तो ये पॉजिटिव संकेत यस बैंक ने देखा, इसको आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। ये सर इसी चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इसको 66% तक इस ऐसे ऋणों को बढ़ा देंगे, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहा है सर। एक पॉजिटिव संकेत सबसे ज्यादा जो इसके अंदर डाल रहा है, जो इन्होंने सर एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो नियुक्ति की है, जिसमें इन्होंने रामा सुब्रमण्यम यानी कि आर एस गांधी का जो अपॉइंटमेंट किया है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत है। अब लोग कहेंगे ये कैसा पॉजिटिव संकेत है सर, जो आर एस गांधी जी हैं सर ये एक वित्तीय सलाहकार हैं, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, और कई संस्थानों को, कई फंडों को ये सलाह देते हैं, और बैंकों के साथ साथ सर, और अभी भी ये कई संस्थानों के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं सर। आपको ये समझना चाहिए, जो बंदा इतने क्षेत्र में फाइनेंशियल एडवाइजर के क्षेत्र में सबको सलाह दे रहा हो, बैंकों को सलाह दे रहा हो, और उसको ही यस बैंक ने एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में चुन लिया हो ना, ये इसके अंदर पॉजिटिव संकेत है, ये इसको पकड़ के चलना पड़ेगा आपको सर। किसी भी बंदे को लाने के लिए कंपनी में उसकी जो प्रतिभा होती है, उससे पहले उसने क्या काम किया होता है, उसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो आर एस गांधी जी से इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव संकेत पड़ने वाले हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको समझना चाहिए। जो वित्तीय सलाहकार हो सर, जो ये बता रहा हो बैंकों को ये करना हो सर, जो अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखकर एडवाइस दे रहा हो सर, जो कई फंड ग्रुप को भी बता रहा हो कि ये करना हो, और कई संस्थानों के ये अब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये एक पॉजिटिव संकेत है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। ये तो मैंने बता दिए पॉजिटिव संकेत, अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें अब करना क्या है सर। एआरसी के लिए टीम बन गई है, पहले भी बताया था, जैसी फ्लावर को इन्होंने जो हाथ मिलाया ये एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन इसके लिए 50 से 75 दिन लगेंगे। अब रिजल्ट कैसा भी आ रहा हो लेकिन 50 से 75 दिन एआरसी की जो टीम बनी है, एनपीए जो खत्म हो रहा है उसके लिए बनेंगे, क्योंकि एनपीए खत्म होने के बाद ही बैंक ग्रोथ में आएगा, लेकिन इसकी जो बात हुई है 50 से 75 दिन में समाप्त होने की बात हुई है, यानी कि 2-4 महीने इसके अंदर लगने वाले हैं, और उसके बाद जो दो निवेशक आएंगे जो इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाने वाले हैं, वो भी सर इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद आएंगे। तो यानी कि अभी 1-2 दिन की तेजी, फिर गिरावट शुरू। फिर भी आपको अपने अनुसार एनालाइज करनी चाहिए सर, मैं तो पॉइंट पकड़ रहा हूँ और पॉइंट के अनुसार ही अपने शेयरों को होल्ड करता हूँ, और अब मेरा जो यस बैंक का शेयर है प्रॉफिट में भी आ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे इसके अंदर और ज़्यादा की तमन्ना क्यों फैल रही है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, ग्रोथ बैंक कर रहा है, आर एस गांधी जो ज्वाइन किया है वो मेरे को और अच्छा मजबूत करने के लिए बहुत काफ़ी हो रहा है सर, और आपको भी इसके अंदर इसी चीज़ को पकड़ कर चलना है सर। और एक बात आपको और बता दूं, जो करलाइल इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाने वाला है, उसने सर एसबीआई के साथ, जो सबसे बड़ा निवेशक है यस बैंक में, और आरबीआई के साथ कई बैठक कर चुका है, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि वो कई चरणों में इसके ऊपर दोबारा से रूपरेखा बनाएंगे, फिर उसके ऊपर काम होगा। यानी कि ये जो फंड वाली बातें हो रही है ये आने वाले 3 से 4 महीने बाद हो रही है, तो ये अभी की नहीं है। ये आपको करना क्या है सर, थोड़ा शांत बैठना है। अगर आप मंडे के दिन ये शेयर खरीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो इसे काफी ऊपर देखा है, लेकिन खरीदने के बाद भी ये शेयर नीचे जाएगा ना, फिर टेंशन मत लेना। मैं आपको बता दूं सर, जिस तरीके से जब मैंने भेल में अपॉर्चुनिटी देख ली है, पॉजिटिव संकेत देख लिया है, तो मैंने आंख बंद करके उसे इतने ऊपर ले लिया है कि जहां पर मैं अपने को मजबूत कर सकता हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि सबके प्रॉफिट नहीं आते, लेकिन सबको प्रॉफिट लाने की क्षमता बढ़ जाती है, वो आती है होल्ड करने की क्षमता। नुकसान है भेल में, लेकिन मैंने उसे ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे उसको बेचना नहीं है, मुझे उससे ज्यादा तमन्ना है, और वो पूरी मेरी होके रहेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने अंदरूनी चीज देख ली है भेल में, मैं आपको भी बता रहा हूं सर।
तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि कल अगर आप इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नीचे जाएगा रुक सकते हैं, एवरेज करने की सोचना नहीं है। और अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो कुछ प्रॉफिट को अपना देखना भी है। मुझे लग रहा है कि ये कल भी अगर इसने तेजी दिखाई तो फिर ये मंगल को भी तेजी आपको दिखा सकता है। हर संभव प्रयास आपको मार्केट में ढूंढने होंगे, भले वो शेयर हमारे पास और वो तेजी के संकेत हमें दिखा रहा हो, तो वो भावना में हमें बिल्कुल भी नहीं बहना है, क्योंकि मैंने इसके अंदरूनी काम जो हैं आपको बता दिए हैं। इसके अंदर सारे पॉजिटिव संकेत हैं और वो पॉजिटिव संकेत इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। सर एक न्यूज और आई थी, अगर आप उसमें गौर करोगे तो आपको यस बैंक और ज़्यादा समझ में आने वाला है कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। वो न्यूज़ थी कि सर अभी कुछ क्वार्टर ही बचे हैं जिसमें नई रूपरेखा में नए पत्तों के साथ नई पत्तियों के साथ यस बैंक अपने कदमों में खड़ा होने वाला है। तो उसमें क्या है, कुछ क्वार्टर यानी कि एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार भी हो सकते हैं, कुछ में तो सर 10 तक हो सकते हैं। तो यानी कि आपको अभी इसको मजबूती की तरफ नहीं देखना है, फिलहाल इसकी जो रैली है ना इसका मजा आपको लेना, तेजी आपको ये मंडे के दिन दिखा सकता है, उसका मजा लो और खुद को संभालो। और जमाटो से फिलहाल अभी खरीदारी थोड़ी कम करो, अगर आपके पास है तो होल्ड करो, एवरेज बिल्कुल भी ना करो। और अडानी पावर का 3 अगस्त को जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद अपनी रूपरेखा अलग तरीके से बनाओ, और जीना अगर जिंदगी में है तो इमोशनल को त्याग दो, सिर्फ शेयर मार्केट से त्यागना, इमोशनल को बाहर मत त्याग देना, अपने घर बारों से इमोशनल त्याग दिया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।